आज हम कमोडिटी बिजनेस रिपोर्ट में नई कमोडिटी देखेंगे एग्री के अंदर धनिया। पिछले दो तीन सेशन में हमने देखा धनिया के प्राइजेस में एक उतार चढ़ाव था, बट वॉल्यूम काफी कम था। बट आज एकाएक हमने देखा कि प्राइजेस में एक अच्छा खासा उछाल आया। नीचे में 6,400 का जो सपोर्ट था वो काफी अच्छे से मार्केट ने होल्ड किया और करीबन 1.25% की तेजी के साथ मार्केट बंदी है। आइए हम कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल देखते हैं जो कल के ट्रेडिंग के लिए हमें हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले आज अगर पूरे एग्री मार्केट का अगर सारांश की बात करें तो मेंथा में इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जैसे हमने कहा था कि प्राइजेस में गिरावट का रुख रहेगा, प्राइजेस में आज गिरावट का रुख रहा। एग्जैक्टली 1624 का लेवल आज के सेशन में हमने छूते हुए देखा। ओपन इंटरेस्ट में भी ड्रॉप है जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्राइजेस में लॉन्ग वाइंडिंग है, तो पोजिशन में और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। सीपीओ में आज नो डाउट तेजी जरूर आई है, शॉर्ट कवर हुआ है। सीपीओ रिफाइन सोया दोनों में ही हमने सॉरी रिफाइन सोया में हमने तेजी का रुख देखा, क्योंकि रुपए में जो गिरावट आई है कहीं ना कहीं दोनों काउंटर को सपोर्ट कर गया है। मीनवाइल अगर हम चने की बात करें, चने में भी शॉर्ट कवरिंग आई है, ओपन इंटरेस्ट में भारी गिरावट है और प्राइजेस में लोअर लेवल से हमने काफी अच्छा उछाल आते हुए देखा। सोयाबीन का प्राइजेस भी मिला जुला ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। कैस्टर में भी हमने एक मार्केट इनऑल अगर हम देखें तो पूरे एग्री काउंटर में हमने एक तेजी का रुख आते हुए देखा, बट सबसे बड़ी तेजी जो आई है वो है धनिया के प्राइजेस में, जहाँ पे हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट में भी इनिशियली ड्रॉप हुआ था, उसके बाद बढ़ना चालू हुआ है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मार्केट में एक फ्रेश बाइंग भी देखी गई है, शॉर्ट कवरिंग भी आज रही है और लॉन्ग लिक्विडेशन भी रहा है। तो काफी ज्यादा एक एक्टिव ट्रेड आज के सेशन में हमने होते हुए देखे हैं। आइए कुछ फंडामेंटल पॉइंटर्स की अगर बात की जाए धनिया की, तो सबसे पहले धनिया में आज हमने 1.25% की तेजी देखी है, जो प्राइजेस 6549 का क्लोज दिया। बेसिकली आज हमने एक शॉर्ट कवरिंग प्राइजेस में इनिशियल लेवल्स पे आती हुई देखी। फंडामेंटल हम ऑलरेडी जानते हैं, जिस ढंग से आउटपुट की कमी है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। ओवरऑल हमने देखा है कि इस बार की आउटपुट काफ़ी कम होने की उम्मीद है, 50% तक भी आंकड़े लगाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। हाजिर में हमने ये भी देखा है कि अभी होली की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्टेड अराइवल्स आने की उम्मीद है, डिमांड में इम्प्रूवमेंट है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को आज के सेशन में जो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। एक्सपोर्ट डिमांड एज ऑफ नाउ थोड़े से स्टेडी है, बट आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि एक्सपोर्ट डिमांड भी मिडिल ईस्ट से काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। और साथ में अगर रुपए में गिरावट बढ़ती है तो हमारे एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहने की उम्मीद है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि कोरिएंडर की जो सोइंग गुजरात में हुई है वो 50 के करीब ड्रॉप आया, राजस्थान में भी 15-14% के करीब ड्रॉप आया, तो इन ऑल उसी का असर था कि प्राइजेस में हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है वो पॉजिटिव देखते हैं। टेक्निकली की बात करें तो लास्ट के हाफ एन आवर में हमने फ्रेश बाइंग भी बनते हुए देखा है, और साथ में अगर सपोर्ट की बात करें तो जब तक प्राइजेस 6,450 के ऊपर होल्ड है हम लोग एक तेजी देख सकते हैं, जो करीबन 6,600 से लेकर 6,650 टेक्निकली दिखाता है। आइए अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो आज के सेशन में धनिया के प्राइजेस में 6483 का भाव खुला था, उसके बाद प्राइजेस में हमने एक गिरावट आती हुई देखी जो 6403 का था, वहाँ से प्राइजेस में एक अच्छा खासा उछाल आया जो 6555 का हाई मार चुका था। ओपन इंटरेस्ट में भी हमने देखा कि चेंजेस अच्छा आया, वॉल्यूम भी आज थोड़ा पार्टिसिपेशन अच्छा था। खास करके अगर बात करें तो 5 दिन में जो सिग्नल नेगेटिव हुए थे वो कहीं ना कहीं फिर से पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक अगर हम धनिया की बात करें तो पिछले 1 महीने में करीबन 6.5% की तेजी हमने ऑलरेडी प्राइजेस में आते हुए देख चुके हैं, फंडामेंटल को देखते हुए। बाकी टेक्निकल इंडिकेटर चाहे आरएसए की बात करें चाहे सीसीआई, कहीं पे भी कोई ओवरबॉट या ओवर सोल्ड का सिग्नल नहीं है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्राइजेस का जो करंट ट्रेंड है वो कंटिन्यू चल सकता है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो हमने देखा था मार्केट करीबन 12 मार्च के करीब एक 6700 का हाई मारने के बाद मार्केट एक साइडवे प्राइस मूवमेंट में जा चुका था। एक चैनल जरूर फॉर्म हुआ है, वहाँ से हमने देखा था मार्केट एक साइडवे टू डाउन दिखा रहा था, बट जैसे ही आज हमने देखा कि प्राइजेस ने 6400 के करीब मारा था, वहाँ से हमने एक सपोर्ट उठते हुए देखा और प्राइजेस ने एक अच्छा खासा उछाल वॉल्यूम के साथ उछाल लगाया है। ओवरऑल बाकी इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव दिखा रहे, तो हमें लगता है कि अगर 6500 के ऊपर प्राइस अगर टिका रहता है तो एज ऑफ नाउ हमारे चैनल का पहला जो फिबोनाची लेवल है वो 6700 का लेवल दिखा रहा है। अगर इसके ऊपर होल्ड होता है तो मे बी हम 850 का भी लेवल देख सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि धनिया में बाइंग करके चलना चाहिए कल के लिए। 4630 के स्टॉप लॉस से टारगेट जो रहेगा, इनिशियल छोटा टारगेट 6580 का है, अगर ये लेवल तोड़ देता है तो 6700 तक के भी लेवल हम धनिया के प्राइजेस में कल के सेशन में देख पाएंगे।
अगर हम सीजनैलिटी की बात करें तो जनरली देखा जाता है कि सीजनैलिटी में पास्ट में काफ़ी मिक्स रिएक्शन रहा है, बट इन ऑल अगर हम परसेंटेज की बात करें तो एवरेज 5-5.5% की तेज़ी मार्च महीने में हमेशा आई है। पिछले अगर हम 5-6 साल की बात करें, 2011 से बीच बीच में हमने गिरावट जरूर देखी थी जैसे 2018 में, पर 2018 से पहले हमेशा हमने मार्च के महीने में तेज़ी का ही रुख देखा है। तो आई थिंक मार्च महीना तेजी में रहेगा। अप्रैल में नो डाउट पिछले 2 साल से गिरावट का रुख जरूर है, बट इस बार के फंडामेंटल कुछ और है जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक मार्च और अप्रैल भी सीजनलिटी के हिसाब से तेजी का ही रुख दिखा रहा है। हाँ,